फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाले हम कलेजी फ्राई चटपटी सी। वैसे आप लोगों ने कुछ नोटिस किया, ये डेकोरेशन अभी तक हमने निकाले ही नहीं, हमें क्यों नहीं निकाले? हाँ नहीं निकाले, बस मैं सोच रही थी एक आध वीडियो बन जाए, इसकी यादें रह जाएगी एक आधे वीडियो में हमारे पास हमेशा के लिए। ये तो बोलने की बात है, सही तरह जान प्यार है इसको निकालने। कितनी मेहनत कर रहे हो। और दूसरी चीज ये भी है ना, अभी देखो सेलिब्रेशन करके भी 2 दिन हो गए हमें। हाँ माशाल्लाह, ये डेकोरेशन अभी तक के वैसा का वैसा ही है। हाँ। और कहीं ना कहीं इसीलिए ना मन भी नहीं हो रहा है इसको जल्दी निकालने का, वो देख के ना ऐसा लग रहा है अभी ना सेलिब्रेशन चालू ही है। एकदम है ना, हम लोग नौ सीखिए लोगों ने ये सब डेकोरेशन करे ले, हमारे चारों कोच माइंड सेट नहीं था, कैसा क्या आता भी नहीं है। सही बोलो, हम लोग को डेकोरेशन करना, बस कर दिए माशाल्लाह। लेकिन बहुत कमेंट आए, सबको फिर से एक बार थैंक यू, मजा आ गया सही में। हम लोगों को तो बहुत मजा आ गया सेलिब्रेशन करके 1 मिलियन की। सच्ची में 1 मिलियन के बाद में मैं पहली रेसिपी डाल रही हूँ, कलेजी फ्राई चटपटी। हाँ वो भी है ना, क्योंकि देखो अभी कुछ ही दिन के बाद, यानी कि 10 से 15 दिन के बाद नहीं, 20 दिन पकड़ लो, 20-25 दिन है अभी बकरा ईद आ रही है। तो अभी मटन की कुछ ज्यादा रेसिपी आप लोगों को देखने को मिलेगा। हाँ। तो आप लोग भी हमें कमेंट्स करके सजेस्ट करते रहिए कि आप लोग हाँ कौन कौन सी रेसिपी देखना है। अभी जैसे कि लास्ट ईयर हमने कलेजी की रेसिपी डाले थे, बट वो मसाले वाली कलेजी थी, आज हमें सूखा क्या करने वाले, फ्राई करने वाले, सूखा कलेजी को फ्राई करने वाले। तो यार आप लोगों के पास भी अगर कलेजी आती है या फिर अगर आप कुर्बानी करते हो तो आप लोग सूखा भी बना सकते हो और मसाले वाली कलेजी भी बना सकते हैं ना। और कमेंट्स करके जरूर बताते रहना कौन कौन सी डिश आप लोगों को देखना है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बकरे की हर डिश आपको बताऊं। ठीक है, तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि आज हम कलेजी फ्राई बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो तो सबसे पहले लेंगे हम कलेजी, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, कोथमीर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अक्का जीरा, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला, काली मिर्ची पाउडर और एक नींबू। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले मैं अदरक लहसुन और मसाला पीस लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ली हूँ एक बड़ी डल्ली अदरक लहसुन की, जो कि मैं पूरा पीस लूंगी। ये तो लहसुन है ना? हाँ वही लहसुन की अक्खी डल्ली ली हूँ मतलब मैं। ठीक है, ये ले लेंगे हम, ये 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लेंगे, इसको भी डाल देंगे पीसने में। मम्मी की आवाज थोड़ी मोटी हो गई है। अरे बैठ गई है। लेकिन मम्मी पतले हो गए। खुशी में बहुत ज्यादा चिल्ला ली हूँ। देखो ना डेकोरेशन दिखाता है ना। तो इसके साथ ही अभी मैं डालूंगी इसमें 4 हरी मिर्ची। ठीक है, अच्छी चटपटी तीखी सी बना रही हूँ मैं कलेजी, अगर आपको तीखी नहीं चाहिए तो आप हरी मिर्ची थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ मैं यहाँ डालूंगी 1 मुट्ठी कोथमीर भर के और इसी के साथ हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अब मैं इसको पानी डाल के थोड़ा बारीक पीस लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मसाला पीस ली हूँ, हरा मसाला, अदरक लहसुन, मिर्ची, कोथमीर और जीरा। और यहाँ पे हमने हमारा तवा चढ़ा दिए है जिस पे हम तेल डाल देंगे। ठीक है, तेल थोड़ा अच्छा ही लगेगा क्योंकि हमको फ्राई करना है, जलना नहीं चाहिए हमारी कलेजी, तो हम तेल को थोड़ा सा गरम कर लेंगे। तो यहाँ पर तेल अच्छे से गरम हो गया है, इसमें मैं थोड़ी सी प्याज डालूंगी, 1 प्याज ली हूँ मैंने। आप बोलेंगे कलेजी फ्राई को प्याज क्या करने का है, बहुत से लोग नहीं डालते हैं कलेजी फ्राई में, लेकिन मैं ऐड करती हूँ। इसको लाल इतना कर दूंगी कि ये पूरी तरीके से घुल जाएगा कलेजी में। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा लाल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर प्याज मेरी अच्छे से लाल हो गई है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिए है कलेजी, कलेजी यहाँ मैंने ली हूँ 1/2 किलो। ठीक है, और कलेजी का धोने का तरीका भी मैंने इससे पहले बता चुकी हूँ, मेरी पिछली कलेजी वाली रेसिपी में 2-3 तरीका बताई हूँ किस तरीके से कलेजी धोया जाता है। ठीक है, आज ये कलेजी मैंने किस तरीके से धोई हूँ ये मैं बता देती हूँ आपको। मैंने इसको धोई हूँ और 1/2 घंटा मैंने इसको पानी के अंदर डाल के 2 बड़े चम्मच विनीगर के डाल के रख दी। ठीक है, उसके बाद इसका पूरा खून वगैरह निकल जाता है। हमें इसको टाइम लगता है क्या गलने में? नहीं, इसको गलने में भी टाइम नहीं लगता है और इसमें पानी बिल्कुल भी भूले से नहीं डालना, मैं तो नहीं डालती हूँ। देखो डालने वाले डालते, लेकिन कलेजी में पानी डालने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कलेजी अपना खुद का पानी इतना छोड़ता है ना
कि उसका पानी सूखे तक ही कलेजी गल जाती है। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर और इसी के साथ हम ऐड करेंगे ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया है ना, अब हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे। सूखी बनाएंगे ना मैं? एकदम सूखी, एकदम सूखी, चम्मच से तो पूरा रूखा खा सकता है, एकदम रूखी। बस चटपटी सी बना रही हूँ, अच्छी लगे जैसा, क्योंकि तेरे बाप को भी ऐसी बना के देती थी ना, वो भी बहुत शौक से खाते थे चटपटी कलेजी। इससे पहले भी मैंने कलेजी की रेसिपी डाली हूँ, कलेजी मसाला, आप लोग वो भी देखना। और अगर कुछ और तरीके से भी कलेजी देखना है तो मुझे बताना, मैं और दो तीन तरीके से कलेजी बनाती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको अभी इसी तरीके से 5-10 मिनट के लिए पकने दूंगी धीमी आंच पे, क्योंकि अभी ये कलेजी अपना खुद का पानी छोड़ेगी। इसमें मैंने नमक वगैरह कुछ भी अभी ऐड नहीं करी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए पकते हुए, कलेजी खुद अपना पानी छोड़ा इतना, और वही पानी में कलेजी हमारी पक रही है, हमने एक बूंद भी पानी नहीं डाले। और कलेजी कभी भी लेके आके काटेंगे ना तो थोड़ी बड़ी साइज़ की काटना, क्योंकि कलेजी जो है ना वो सिकुड़ जाती है और छोटी हो जाती है, पकते 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 हम फ्राई करते हैं ना तो वो छोटी हो जाती है। अगर आप छोटी काटेंगे एकदम तो वो एकदम छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं अभी और 2 मिनट तक पकाऊंगी, क्योंकि इसका पानी अभी पूरा सूखा नहीं है। ठीक है, अभी भी इसमें थोड़ा पानी मुझे लग रहा है, तो यहाँ पर 2 मिनट मैंने और पका ली हूँ। अभी हमारा इसका कलेजी का थोड़ा पानी अच्छे से सूख गया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ डालेंगे हमारा ये आमचूर पाउडर, यहाँ डालूँगी मैं धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और थोड़ी ली हमने आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, और 2 चुटकी हमने लिए है काली मिर्ची पाउडर, और आधा चम्मच लिए हमने गरम मसाला पाउडर। ये सब की बुक्की, ये सब बुक्की है मेरी, है ना। अब हम इसको थोड़ा सा और पका लेंगे 1 मिनट तक। आप लोग देख रहे हैं मेरे सारे मसाले मैंने ऐड कर दी हूँ, मगर मैंने नमक अभी तक ऐड नहीं करी हूँ। नहीं है ना अपने पास नमक? बोलता नहीं है ना हमारे पास, नहीं। नमक ऐड करने से क्या है ना, ये स्टार्ट में अगर हम नमक ऐड कर देते तो कलेजी अकड़ जाती है और खाएंगे ना तो थोड़ा सा कड़क लगती है, और अगर नमक हम लास्ट में डालेंगे तो हमारी कलेजी अच्छी जूसी जूसी रहती है, सॉफ्ट रहती है लास्ट तक पके तक, और खाने में भी थोड़ी सी नरम रहती है। ठीक है, इसलिए नमक को थोड़ा सा लास्ट में ऐड करना। तो यहाँ पर हमारी कलेजी अच्छे से पक गई है, मसाला भी अच्छे से कलेजी को पकड़ लिया है, और यहाँ पे कलेजी ने पूरा तेल छोड़ दिया है, यानी कि इसका पानी अच्छे से सूख चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब डालेंगे इसमें हमारा नमक, और नमक डालने में क्या अंदाज़ा भी सही हो जाता है, क्योंकि कलेजी जितना सूखना है वो सूख गई है, वो हिसाब से हम नमक ऐड कर सकते हैं। स्टार्ट में कैसा, कलेजी बहुत ज़्यादा दिख रही थी ना तो उसमें पानी था, और उस टाइम पे हम नमक उस हिसाब से डाल देते तो फिर पकने के बाद ये सूख जाती तो खारा हो जाता। तो अच्छी बात है कि पकने के बाद हम नमक डाल रहे तो हमको एक जजमेंट मिल जाता है। अब क्या करेंगे हम, लास्ट में इसमें डालेंगे हमारा नींबू का जूस खटाई के लिए। अभी मैंने आपको बोली ना कि मैंने इसमें डाली हूँ आमचूर पाउडर, वो आमचूर पाउडर नहीं था, वो चाट मसाला था, वो मैंने गलती से आपको आमचूर पाउडर बोल दी। ठीक है, खटाई के लिए मैं इसमें सिर्फ नींबू यूज़ कर रही, अगर आप आमचूर पाउडर भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आमचूर पाउडर नहीं ली, मैंने चाट मसाला इसमें डाली। अब हम इसको बस 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि हम इसमें नमक डाले हैं ना, तो नमक हमारे कलेजी को अच्छे से अब पकड़ ले। आप देख रहे तेल छोड़ दिया है पूरा कलेजी ने, है ना। तुम्हें फिर कलेजी बोलते क्या, कलेजा बोलते? कलेजी। तू मेरा कलेजा है, ये कलेजी है। अब हम इसको 1-2 मिनट अच्छे से पका लेंगे, ताकि नमक अच्छे से इसमें लग जाए। तो यहाँ पर मेरी कलेजी अच्छे से पक के रेडी हो गई है। तुम्हारी? एक नंबर। तुम्हारी कलेजी? गोट की कलेजी, बकरे की कलेजी, मटन की कलेजी। हाँ, तो यहाँ पर कलेजी रेडी हो गई है। मैं कर रही हूँ गैस बंद, एकदम चटपटी बनी है, खुशबू भी आ रही है, गरम मसाला, काली मिर्ची, नींबू, चाट मसाला, मिर्ची, अदरक, लहसुन, देखो हर चीज़ इसमें पड़ी हुई है। अब इसको रोटी और इससे नहीं तो खाऊंगी नहीं मैं,
मैं तो इसको फोक से एक 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 उठा के मजे लूंगी मस्त, है ना। तो तैयार हो गई। तो दोस्तों तैयार हो गई हमारी कलेजी, ये देखो मतलब बकरे की कलेजी है ना। मैं अभी मैं ये देख मैं पकड़ लिया पहले, मतलब अभी मैं पहले मेरे को बोले मैं भी बोल दूं देख रहे क्या मस्त बना लिया। अभी लास्ट टाइम तुमने थोड़ी इतनी सूखी नहीं बनाई थी ना ग्रेवी, मसालेदार थी उसको पराठों के साथ, और वो सिर्फ कलेजी नहीं थी, कुछ मिक्स था उसमें। नहीं कलेजी पोटा नहीं बेटा, वो तो मुर्गी की कलेजी पोटा थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बकरे की कलेजी फर्स्ट टाइम बनी है? नहीं बकरे की कलेजी भी बनी है, सिर्फ कलेजी बने थी। हाँ, अच्छा, और पोटा कलेजी भी डाली हूँ चिकन का। अभी यार इतना मैं खाता हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह तो याद नहीं रहा, तो थोड़ा समझ लेना। और क्या ना वो 1 मिलियन की खुशी अलग है, 1 मिलियन में तो ऐसा ना डूबे हुआ है कि अभी तक उसके अंदर से निकल ही नहीं रहा है वो। देखिए अभी भी सही में ना यकीन नहीं हो रहा है मेरे 1 मिलियन हो गए, मेरे 1 मिलियन हो गए ऐसा। बहुत इंजॉय किया, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। अब फिर से मैं आप लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करूंगी तहे दिल से, आप दुआएं दिए, ढेर सारी दुआओं के लिए भी शुक्रिया। मेहनत तो सब करते हैं, मेहनत कौन नहीं करता, मेहनत हर कोई करता है, बट ये कहीं ना कहीं खुशी का ना बड़ा क्रेडिट आप लोगों को भी जाता है। हाँ, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते, कितने लोग हैं यूट्यूब पे, क्या क्या करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, रेसिपी बनाते हैं, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं ना, व्यूज नहीं आते ना, सबका दिल तो नर्वस हो जाता है। मेन चीज ही नहीं होती, मेन मकसद ही लोगों का ये है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूज बढ़े। आपने हम लोगों को बहुत प्यार दिया, थैंक यू यार, थैंक यू। तो चलो आइए उसी बहाने हम खाते हैं कलेजी। अभी भी बौखलाया हुआ है, अभी मैं इसको दूंगी बकरे की कलेजी। और ये और मैं आज कोई पराठे वगैरह के साथ नहीं देने वाली। आज तुझे 1 मिलियन हो गया था मतलब खाना ही कम। रोटी पराठे गायब। नहीं आज तुझे रूखा ही खाना पड़ेगा। चलो ठीक है, लेकिन मजा रूखे में आता है, कलेजी का असली मजा तो रूखे में ही है। एक देखो कलेजी आती है, देखो वो कांडी पे फ्राई होती है, अंगार के ऊपर भी, वो भी बड़ी अच्छी लगती है, दिल कलेजी। और अम्मी ने बड़े बड़े इसमें पीसेस रखे और ये देखो नींबू। हाँ मस्त ऐसा ना मसाले वाली बोटी या फिर कलेजी पे ना ये ऐसा नींबू आ आ आ ऐसा डाल के खाने मजा आती है। कांदा का है? कांदा नहीं है, इसी खाएगा तू नींबू डाल के अभी मस्त। तो ना मैं अक्की खाएंगे? हाँ अक्की खाऊंगी। मसाला लपट के दे रहा है। बिस्मिल्लाह खिलाया मेरे को, पानी मेरे मुंह में आ रहा है, मैं खाऊंगा पानी आप लोगों के मुंह में आएगा। हाँ और मसाला देखो यार, मसाले की कमी जरा भी नहीं बोटी में, अगर कमी फिर भी लग रही है ना तो हम ये वाले चम्मच से ऐसा लेंगे। ओह हो हो हो, एकदम चटपटी कलेजी बनी है सही में। बिस्मिल्लाह। मसाला तो गजब का, एक टाइम था कलेजी ना मेरी फेवरेट थी ना, मैं स्पेशली मेरे लिए अम्मी लाते थे सालन में डाल के मुझे देते थे। चिकन की कलेजी भी ना सालन में मैं एक कलेजी छोड़ देती थी, खा लेता था उसके लिए। अच्छी बनी, अरे जबरदस्त। रोटी वोटी की जरूरत ही नहीं है, मस्त ऐसी रुकी रुकी खा लूंगी मैं, खाती थी मैं। देखो माहिम पे मिलता है कलेजी, रोटी, खीरी सब एकदम सलिये में मस्त फ्राई व्राई करके मिलता है, एक प्लेट। हमें खीरी वीरी भी बनाओ, इंशाल्लाह बनाओ, भेजा बनाओ। मैं ना उधर भी ना मंगाती हूँ ना पूरी प्लेट ऐसी रुखी मंगाती हूँ खाने के लिए। वजड़ी भी बनाएंगे क्या? सीख मंगाती हूँ तभी ही पराठा मंगाती हूँ खाने। हमने देखो भाई बहुत सी मटन की रेसिपी डाली है, मतलब बकरे की, भेजा। हाँ, भेजे की रेसिपी डाले है, वजड़ी भी डाल चुकी हूँ, वजड़ी डाले है, मटन डाली हूँ, चाप डाली हूँ, बिरयानी डाली, ये सब भी डालेंगे क्या नहीं वापस? इंशाल्लाह पाया भी डाले हमने, पाया भी डाली हूँ। दूसरे तीसरे तरीके से अलग अलग बहुत किस्म से बनती है एक चीज, ऐसा नहीं है कि कलेजी ऐसी बनी है तो बस यहीं खत्म हुई। कलेजी भी बहुत तरीके से अलग अलग बनता है, भेजा भी है अलग अलग तरीके से बनता है, मटन देखो कैसा हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं, कीमे के लिए हम कितने किस्म के यूज कर लेते हैं, कोफ्ता बना लेते, कबाब बना लेते, सीख बना लेते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट। इसी तरीके से कलेजी, गुर्दा, इसमें भी सब अलग अलग बनता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को धीरे धीरे सब बताने, ठीक है। अगर पसंद आ गया है ये रहा वो हमारे फंक्शन का पानी, और ये कलेजी अच्छी लगी होगी तो जरूर शेयर करना। हाँ, और बकरा ईद में जिसके घर में कुर्बानी होती है जरूर कलेजी फातिया दिलाते हैं ना कलेजी पे। तो ये मैं बता दूं आपको, आधे घंटे में पक गया, नहीं वो भी मैं शूट कर रही थी बोल के आधा घंटा, नहीं तो मैं खड़े रहती तो 20 मिनट में ये फटाफट बना लेती, 15 से 20 मिनट में। तो फातिया के लिए ऐसी ही चाहिए रहता है, फातिया की गड़बड़ रहती है, कुर्बानी की गड़बड़ रहती है,
उस टाइम पे ऐसी झटपट रेसिपी बना लेना। खाली अभी भाई देखो मटन की आने वाली बहुत सी रेसिपी होगी जो कि मुझे बहुत ही मजा आने वाला है। ये हफ्ता या ये महीना बोल सकते हैं कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। बकरा इससे पहले ना इसकी निकल पड़ती, पिछले साल भी बोलता हमने इतना मटन खिला दिया थे, मैंने मजा आ जाती मुझे पहले कि कुर्बानी का गोश्त आने का वेट ही नहीं करा मैंने, पहले ही मेरी बकरी है। बकरा इतना यार 2 महीने में एक बार होनी चाहिए है ना, मैं कितना मजा आएगा ना, रोज बकरा। तो ऐसा है अपनी सोच थोड़ी ऐसा है खाने को लेके, बहुत ही अपना ऐसा है कि भाई खाना मतलब अपनी जान। अभी जान वान खत्म, अभी कल से जिम चालू करो। वो तो अलग मसला है, 3 महीने यानी रमजान से जो मैंने जिम की छुट्टी किया, अभी तक जिम नहीं गया क्योंकि हमारी जिम भी थोड़ा रिनोवेट में गई थी, रिनोवेशन चालू था अभी। नहीं रमजान में क्या बोला मैं जाता हूँ, 2 दिन गया बंद कर दिया, दूसरी जगह ज्वाइन किया था बट नहीं जमा। फिर बाद में बोला मैं बोली जाओ रमजान खत्म हो गए, अरे वो बन रहा है जिम में काम चालू है। फिर 1 महीना निकल गया, अभी फिर 1 महीना मैं बोली नहीं आपका खत्म, अभी हो गया फंक्शन वंक्शन, अब कल से सीधा भगाऊंगी जिम जाओ। तो भाई चलो चलते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस कलेजी को शेयर कीजिए ताकि लोग अपने घर पे बना सके। चलते हैं जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम की आईडी स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया तो उसको ओपन करो और फॉलो करो। और रियाज के अब्बा ने कितनी अच्छे से बात की है आप लोगों से, किसी ने भी अभी तक वो 1 मिलियन का सेलिब्रेशन पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो गाइस प्लीज जाके देख लेना, बहुत ही अच्छा और मजेदार था। उसमें हमारे अब्बा फर्स्ट टाइम यानी सेकंड टाइम आए, बट बहुत से लोगों ने देखा नहीं होगा तो वो लोगों के लिए होगा फर्स्ट टाइम, ठीक है तो वो ब्लॉग जरूर देखना। चलते हैं, आए थे चीफ गेस्ट बन के, 10 मिनट के लिए आए थे फिर चले गए थे, बोले चलो हो गया तुम लोग का मैं जा। तो चलो अभी हम लोग जाते हैं, चले अल्लाह हाफिज, बाय बाय, दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।